हुआ विवाद एक ग्राहक के लिए जानलेवा बन गया। दुकानदार के साथियों ने विवाद का बदला लेने के लिए पीड़ित के घर पर धावा बोल दिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले पीड़ित के घर के बाहर 4-5 बार फायरिंग की, उसके बाद उसे भी गोली मार दी। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। मामला भरतपुर के डीग थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने बताया कि बहज गांव के दिनेश जाटा उम्र 30 वर्ष पुत्र रामजीत का बुधवार शाम नींबू लेने महेंद्र बच्चों की दुकान पर गया था। वहां उसने 5 रुपए के नींबू ले लिए। महेंद्र ने पैसे मांगे तो उसने 100 रुपए का नोट दिया। खुले पैसे की बात पर दोनों के बीच कहा सुनी और गाली गलौच हो गई। आरोप है कि इसके बाद दुकानदार के साथियों ने रात 8:30 बजे दिनेश के घर पहुंचकर फायरिंग कर दी और उसकी कनपटी पर गोली मार दी। गोली दिनेश के कान को छूते हुए निकल गई। घायल के भाई भूरा ने बताया कि हमला दुकानदार के साथियों ने किया है। भूरा ने बताया कि दुकान पर झगड़े के बाद हम दिनेश को लेकर घर आए, तब दुकानदार महेंद्र का छोटा बेटा भोलू लाठी सरिये डंडे लेकर घर आ गया। घर आकर भी उन्होंने गाली गलौज भी की। हमने दिनेश को घर से निकलने नहीं दिया। फिर धर्मा उर्फ धर्मेंद्र जाट पुत्र जयवीर नाम के बदमाश ने घर पर 4 बार फायर किया। धर्मा ने ही भाई को गोली मार दी। घटना के बाद से आरोपी फरार है। कान और सिर में छर्रे लगने से दिनेश गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन 108 एम्बुलेंस से उसे डीग के अस्पताल लेकर आए, जहां से उसे भरतपुर RBM अस्पताल रेफर कर दिया गया। फायरिंग की सूचना मिलने पर थाना कोतवाली प्रभारी राजेश पाठक मैं जाप्ता के रेफलर अस्पताल पहुंचे और घायल युवक के परिजनों से घटना की जानकारी ली। गंभीर रूप से घायल दिनेश जाटव को डॉक्टर गजेंद्र पाल सिंह ने प्राथमिक चिकित्सा के बाद इलाज के लिए RBM हॉस्पिटल भरतपुर रेफर कर दिया। CO आशीष कुमार का कहना है कि झगड़े की सूचना मिली थी, मामला दर्ज कर लिया गया है। मौके पर फायरिंग के सबूत नहीं मिले हैं। घायल की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। गोली लगी है कान के जोर है। कान के जोर है। हथियार का वो कट्टा इतनी बड़ी साहब, इतनी बड़ी फायरिंग की बात है। ये परिवार ने ये बात कही है, लेकिन घटनास्थल से फायरिंग के संबंध में ऐसे कोई अलामत पाई नहीं है।